हे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे में और आप टाइटल देख के आए ही होंगे कि हमारा जो है यहाँ पे पीवीसी चारकोल लुअर्स जो है वो चारकोल लुअर्स हम लोग यहाँ पे किचन के काउंटर में लगा रहे हैं। तो चारकोल लुअर्स जो है वो कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक वीडियो के लाइक और शेयर से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत हिम्मत मिलता है काम करने के लिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब करें इंटर जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूं कि आप चारकोल लुअर कैसे लगा सकते हैं। एक्चुअली ये जो आप लुअर से देख रहे हैं, ये हम लोग का हाइट जो है ये एकदम यहां से लेकर वहां तक ये 8 फीट का है और हम लोग जो लगा रहे हैं वो 30 इंच का हाइट में हम लोग का लग रहा है। तो इससे एक 8 फीट का जो सीट है उससे हम लोग का 3 पीस निकलेगा और 3 पीस में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिजाइन पैटर्न कि हम लोग 1, 2, 3 हम लोग डार्क लगाएंगे, फिर मिडिल में एक वाइट देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हम लोग वुडन जो है वुडन का हम लोग दिए हैं और इसके साथ ये वाइट वाला हम लोगों ने ग्लिटर के साथ ये दिया है ताकि थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट रहे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर भी वाइट का लेमिनेट यूज़ किया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग जो ये लुअर्स भी लगाएंगे तो ये मिडिल में हम लोग एज ए वाइट हाइलाइटर के हिसाब से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले हाइट जितना हाइट है वहाँ मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे एक एक करके। तो क्योंकि हमारा ये जो सीट है ये 8 फीट का है मतलब 96 इंच का है और हम लोग का वहाँ पे अराउंड 30 इंच का लग रहा है तो 30 × 3 90 हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग का 7 इंच का, यहाँ हम लोग 6 से 7 इंच का वेस्टेज हो रहा है। तो ये वेस्टेज बहुत ही कम होता है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप लगाएंगे तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट है कि आपका वेस्टेज ना के बराबर होता है, मतलब ना के बराबर मतलब आपका जहां पे 10-20% होता है वहां पे 2-3% वेस्टेज आपका होता है। तो यहां पे अभी हम लोग साइज करके यहां पे अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग लगा के आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करते हुए आप इसको इजिली कटर मशीन जो है उससे कटिंग कर सकते हैं और सबसे पहले आपको ध्यान दे देना है जो साफ सफाई हम लोग बोलते हैं फेविकॉल, अगर ऐसा कुछ भी आपका ऊंचा होगा या फिर फिन निकला होगा तो वो सब आपको अच्छे से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये आप जो पिन 20 नंबर का देख रहे हैं ये 20 नंबर का पिन हमारा लगेगा और ये प्रोबोन लगेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्चुअली हमारा क्या है कि हम लोग लुअर्स में भी देंगे लेकिन उससे पहले क्या है कि हम लोग का जो बॉडी है पूरा बॉडी में हम लोग जब लुअर्स लग रहा है तो हम लोग पूरा उसको पार्ट पार्ट नहीं करके पूरा ये एरिया में हम लोग प्रोबोन अच्छे से लगा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फेविकॉल प्रोबोन मारने के बाद ही हम लोग का ये यहाँ से टाइट हो रहा है तो हम लोग को पिन मारने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आपका इधर से आप लगाते हैं और आपको अगर ग्रुप पड़ता है और अगर आपको लगता है कि थोड़ा लंबा लंबा है तभी आपको ग्रुप में आप पिन मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि ऊपर और नीचे में ही सपोर्ट है और इसका हाइट कम है तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रोबोन से ही फिक्स कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पिन नहीं मार रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा 3-3 मार के क्योंकि इस साइड में हमारा ग्रुप कवर हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है ये लॉकिंग सिस्टम हम लोग टाइट हो जा रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोग का यहाँ पे पिन मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पिन मारना भी है तो ऐसा अगर टेक्सचर अगर आपका कुछ भी होता है तभी आप इसमें पिन मार सकते हैं। झूले अच्छे से अभी ये वाइट वाला हमारा अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये 3 पीस मारा हूँ, वाइट मारा हूँ, फिर 3 पीस डार्क मार रहा हूँ। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हम लोग पहले यहाँ पे रखे, इसके बाद ये आप इसको बिठाइए और साइड से हल्के से आप इसको स्लाइड कर दीजिए, मतलब इसको अगर जैसे आप घसकाएंगे तो ये जाके आराम से ग्रुप में बैठ गया। तो ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं
ये ग्रुप और ये ग्रुप सारा ग्रुप इक्वल इक्वल होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और ये आपका पूरा अच्छे तरीके से फिक्स हो जा रहा है ना, तो इस तरीके से आपको ग्रुप में बिठाना है। और प्रो बॉन्ड यहाँ पर भी हम लोग फेविकॉल मारे हुए हैं, और यहाँ पे एक एक क्लेंच में हम लोग एक एक लूवर्स में हम लोग भी प्रो बॉन्ड मार रहे हैं। जबकि अगर आपका ढीला होता है तो उसमें आपको पिन मारना है, तो सपोर्ट के लिए आप मार सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे पिन मारने का जरूरत नहीं पड़ सकती। जैसे कि आप ये देख रहे हैं व्हाइट वाला हमारा, एक्चुअली क्या है इसमें टेक्सचर किया हुआ है ना, तो टेक्सचर करने में क्या है कि आपका वो पिन जो है वो पता नहीं चलेगा, तो इस तरीके से आपको मारना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये टेक्सचर किया हुआ है हमारा डॉटेड डॉटेड, तो अगर यहाँ पे आप पिन मार रहे हैं 17 नंबर 20 नंबर का, तो ये बाद में दूर से कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पिन मारा हुआ है। अगर आपका ग्रुप में नहीं मारने की जरूरत है तो आप ऐसे ऊपर से भी इस टेक्सचर के बीच में आप मारेंगे तो कहीं से भी पता नहीं चलेगा। तो आप मेन आपका है कि जब राइट साइड से आप लगाएंगे तो ग्रुप में भी आप पिन मार सकते हैं, अदरवाइज जो टेक्सचर आप देख रहे हैं उस जगह में आपको पिन मारना है ताकि वो कहीं से दिखे नहीं। और ये 17 नंबर का जो पिन होता है वो ऐसे भी नहीं दिखता है सामने से, सामने से आपको बहुत ही नज़दीक से जाएंगे तभी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट में पूरा, ये एल शेप में हमारा किचन का जो काउंटर है वो एल शेप में है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये अभी हम लोग सामने में यहाँ पे अभी आपको लगा के हम लोग दिखा दिए, ये जो लोअर्स है ये लोअर्स आप यहाँ पे ऐसे लगा के अभी हम लोग का ये कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री एंगल करके कटिंग करके इस जगह हम लोगों ने लगा दिया है। तो ये क्या है कि आपका ज़्यादा आपका दिखेगा नहीं, ये काला जो सिर्फ दिख रहा है इसमें आपको बाद में थोड़ा बहुत कलर मिला देना है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप था हमारा तो उसकी वजह से थोड़ा आपको काला दिखेगा, तो ये कलर वगैरह यहाँ पे मिला सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी हम लोगों ने अभी टेप वगैरह मार के रखा है, तो अभी हम लोग ये साइड से अभी हम लोग ये साइड में हम लोग लगाने वाले हैं, और ये साइड में अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है लोअर्स लगा सकते हैं प्रो बॉन्ड, और पिन के हेल्प से आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देख रहे हैं ये लास्ट का सीट मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारा ये ग्रुप, ये पट्टा हम लोग इस साइड में रखेंगे, और ये व्हाइट वाला भी हमारा लग गया है, प्रो बॉन्ड हम लोग लगा चुके हैं। और ये नीचे में बहुत इजी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड करके प्रो बॉन्ड किया हम लोगों ने। अगर आप थोड़ा सा सामने आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सामने आ जाइए कैमरा लेके। और ये जो आप सामने देखेंगे ये अभी हम लोगों ने गैप रखा है, जैसे इसको हम स्लाइड करेंगे ये एकदम हल्का स्लाइड करने के बाद ये आराम से बैठ जाएगा। तो क्या है, क्या ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं भी लगा सकता हूँ, ये आप भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आप इजिली इसको अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये आप, ये हमने लगा दिया, तो इसको अभी ये हमारा लास्ट सीट है तो इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये हमने लूवर्स लगा के आपको दिखाया, ये हमारा किचन का काउंटर था, किचन प्लेटफॉर्म ये हमने पूरा यहाँ पे लगाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।